प्रतापगढ़ जिले से विभिन्न संगठनों के लोग अयोध्या के लिए हुए खनाम। स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक प्यार पंकज गाना का बयान, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं भाग्यशाली हूँ कि अयोध्या जा रहा हूँ। प्रतापगढ़ और प्रयागराज से भारी संख्या में राम भक्त अयोध्या जा रहे हैं। राम एक विचारधारा है, हम सब मिलकर राम मंदिर बनाएंगे। साथ आए तो जल बनेगा मंदिर। मंदिर बनाने के लिए प्लानिंग चाहिए। मुझे राम मंदिर का शय नहीं, आज की सरकार सबसे ताकतवर सरकार है। हमें मंदिर बनाने की तारीख चाहिए। सोए कुंभकर्ण को जगाने आया हूँ और कितने साल इंतजार करूँगा। हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। ये कहना था प्रतापगढ़ की स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक प्रयाग पंकज गाना का। जाने का मकसद क्या है, क्या करेंगे वहां जाके? मकसद केवल एक है कि सुप्रीम कोर्ट को नक्सलियों, आतंकवादियों, अल्पसंख्यकों के लिए 12 बजे रात में ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट को खोल कर सुनवाई कर सकते हैं। तो क्या बहुसंख्यकों के लिए इनके पास समय नहीं है? हम इनको चिताने जा रहे हैं कि आप हमारे बहुसंख्यकों को सुनिए और भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। इसके लिए हम सरकार के ऊपर भी दबाव बनाएंगे, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव बनाने के लिए अयोध्या कूच कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग राम मंदिर का आंदोलन, आज हम 500 साल से राम मंदिर के आंदोलन में हमारा हिंदू समाज अग्री है, सक्रिय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है हमारे बहुसंख्यकों के मामले को सुनने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कार्यक्रम को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है। नक्सलियों, आतंकवादियों, अल्पसंख्यकों, अगर कोर्ट से फैसला नहीं आता है आपके हक में तो क्या करेंगे? तो हम सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, आंदोलन किया, आंदोलन करेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। संख्या में आज आप लोग जा रहे हैं अयोध्या? हमारी कुंडा जो इकाई है स्वदेशी जागरण मंच की, कुंडा इकाई से हम हजारों की संख्या में अयोध्या कूच कर रहे हैं।